देशी जायकेदार किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिश फ्राई की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी लगेगा। फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और इसमें प्रोटीन हाई क्वालिटी के होते हैं जो स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस होते हैं, साथ ही साथ मिनरल्स होते हैं जो हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं। तो रेहू फिश लिए हैं, ये आधा किलो है। इसको अच्छे से पानी से पहले वॉश कर लेंगे। अब इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच नमक डाल देंगे और एक नींबू का जूस इसमें डाल देंगे। इसको मैरिनेट करेंगे, तो इसको अच्छे से मिला देते हैं और इसको 15 मिनट के लिए रखेंगे। नींबू डालने से इसमें कोई भी स्मेल नहीं आता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। इसको अच्छे से कोट कर लेते हैं इस तरह से। ये फिश का साइड वाला पार्ट है, इसको भी मैरिनेट कर लेंगे। अब एक बाउल में एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और दो चम्मच इसमें बेसन डालेंगे। आप चाहें तो बेसन की जगह पे चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं या कॉर्न फ्लोर भी यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लेंगे, पेस्ट गाढ़ा रहेगा। इसमें नमक भी एक चम्मच डालेंगे और इसमें हल्दी भी एक चम्मच डालेंगे और सबको अच्छे से मिला देते हैं। अब 15 मिनट बाद फिश में मसाला को अच्छे से कोट कर देते हैं, हाथ से करेंगे जिससे अच्छे से मसाला फिश के ऊपर कोट हो जाएगा। इस तरह सारे पीस को अच्छे से दोनों साइड में इसको कोट कर लेते हैं। इसको फ्राई करेंगे। अच्छे से कोट हो गया है, साइड वाले पोर्शन में भी मसाला से कोट कर लेंगे। इसमें ज़्यादा कांटा नहीं होता है साइड वाला पोर्शन में, बच्चों को खाने में आसानी होता है। अच्छे से मसाला से कोट कर दिए हैं हर पीस को। अब फ्राई करेंगे, तो इसके लिए पैन में ऑयल को गर्म कर लिए हैं और इसमें एक एक करके पीस को डाल देंगे। फ्लेम को लो से मीडियम पर रखेंगे। सरसों तेल यूज कर रहे हैं, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। 3 मिनट बाद इसको पलट देते हैं, तुरंत नहीं पलटेंगे, थोड़ा सा वेट करके 3 मिनट बाद पलटेंगे, जिससे अच्छे से मसाला भुन जाता है और अच्छे से उस फिश के ऊपर चिपका भी रहता है। सभी पीस को पलट देते हैं, अच्छा गोल्डन हो गया है। दूसरे साइड में भी इसी तरह इसको फ्राई करेंगे। 2-3 मिनट बाद फिर इसको पलटेंगे, दूसरे साइड में भी अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गया है, बहुत ही क्रिस्पी दिख रहा है। फ्रेंड्स, आप इस तरह बनाएंगे तो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी लगेगा और अंदर से जूसी बनेगा। दोनों साइड में फ्राई हो गया है, अब निकाल लेते हैं प्लेट में। बहुत ही क्रिस्पी बना है। सारे पीस को प्लेट में निकाल देंगे। फ्रेंड्स, इस तरह आप ज़रूर बनाएं, बहुत ही सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही क्रिस्पी बना है। इसी तरह बाकी सारे पीस को फ्राई कर लेंगे दोनों साइड में क्रिस्पी होने तक। इसको गोल्डन फ्राई कर लेंगे, इसको बीच बीच में पलटते रहेंगे। ये भी फ्राई हो गया है, सबको प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हुआ है। फ्लेम को मीडियम से लो पे रखेंगे तो अच्छा फ्राई होता है। अब प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से आप इसको सर्व करें, सबको बहुत ही पसंद आएगा। और इस मेथड से बनाएं, क्रिस्पी और जूसी फिश बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप कोई भी फिश ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल
प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।